सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार के अंदर लगातार फेरबदल होते रहते हैं। और इसी बीच अभी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के कांग्रेस के अंदर फिर एक बार बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर किसको कौन सा पद दिया जाएगा। इसी को लेकर के अभी लगातार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चर्चाओं के अंदर बने हुए हैं। लोगों का कहना है और सूत्रों का भी कहना है कि सचिन पायलट को लेकर के अब उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है, क्योंकि उनका जिस प्रकार का कार्यकाल राजस्थान के अंदर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा। या तो उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है या फिर यूपी के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रणाली का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल से पहले राजस्थान की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर के सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। वहीं गहलोत खेमा भी कांग्रेस संगठन फेरबदल से पहले सक्रिय हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में महासचिव भी बनाया जा सकता है और सचिन पायलट को प्रियंका गांधी के साथ यूपी का प्रभार भी दिया जा सकता है। यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है तो वहीं कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को मीडिया विभाग की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कांग्रेस संगठन में होने वाला बदलाव, सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव को बदला जाएगा। इनमें गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और बिहार महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस तरह के बदलाव को लेकर कयासबाजी भी शुरू हो चुकी है। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर एनएचआई के ठेकेदार पर ग्रामीणों ने मिट्टी खुदाई के रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही ठेकेदार रातों रात अपने बोरी बिस्तर बांध करके गांव जा रहे थे। वहीं दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे निर्माण ग्राम पंचायत अमराबाद का यह मामला है और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और थाना सिकंदरा पुलिस की मदद से ठेकेदार पहुंचा है थाना रामगढ़ पचवारा। साथ ही ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप, हाईवे निर्माण के दौरान नहीं दिया एक भी रुपया। वहीं थाना रामगढ़ पचवारा पुलिस मामले की कर रही है जांच। क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए इन्हीं के मुख से इनकी जुबानी। क्या मामला है? हमारे खेत की मिट्टी उठाई थी, डीएस चौधरी जो काम करता है उसके नीचे एक गौरव धामा नाम से है ठेकेदार, उसने मिट्टी उठाई थी। वो अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया हमें, आज दूंगा कल दूंगा परसों दूंगा वैसे बोलता रहा। और आज वो अपने बोरी बिस्तर लेकर के सिकंदरा थाने में अरेस्ट हुआ, वहां से थानेदार साहब यहां लेके आए उसको और यहां बिठा दिखा है। अभी तक पेमेंट देने का कोई यश नहीं कर रहा। कितना पैसा है आपका? मेरा पैसा है 3,40,000 रुपए। तो क्या आपके खेत की मिट्टी उठाई थी इसने? जी सर। कितने दिनों की बात होगी? बात तो ये थी कि मिट्टी जब आएगी, गाड़ी आएगी मिट्टी उठाने पे, आधा पेमेंट दे दूंगा। उसके बाद जब गाड़ी निकलेगी मेरी, मिट्टी क्लियर हो जाएगा खेत, उसके बाद मैं पूरा पेमेंट दूंगा। तो क्या पूरे गांव का मामला है? नहीं, पूरे गांव का नहीं, हमारा तो हमारा मामला, गांव सभी का है। अच्छा। पैसा सभी का है, मजदूरों की मजदूरी तक नहीं दी इसने। अच्छा अच्छा, जो एनएचआई का काम चल रहा है जी, इस मामले को लेकर आप बात कर रहे हो जी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। सिकंदरा मिला? अच्छा, सिकंदरा मिला है। तो आपको सूचना कैसे मिली कि सिकंदरा पहुंच गए? रिपोर्ट किए गाड़ी वाले ने किया। अच्छा, गाड़ी लेके भग गया उसकी। कितने कितने दिनों से मिट्टी उठा रहे हो? मिट्टी उठाया 2 महीना हो गया, दो तीन महीने हो गए। आपका नाम? बद्रीलाल शर्मा। पूरा मामला क्या है? सर, हमारे खेतों से मिट्टी भी उठाई थी और हमारे 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं इसके पास, तो ट्रैक्टरों का भी पैसा बकाया है और मिट्टी का भी बकाया है। मिट्टी किस काम में ले इस ठेकेदार? इस रोड पे डालने के लिए, एनएचआई का जो काम चल रहा है इस पे डालने के लिए, डीएस चौधरी के नाम से जो ठेकेदार है उसके थ्रू कपिल धामा के नाम से है। वैसे इसका नाम तो गौरव धामा है लेकिन लोगों को नाम इसने कपिल बता रखा है। अच्छा, नाम की भी झूठ बोल रखा है इसने। हाँ बिल्कुल। तो दिल्ली मुंबई हाईवे का जो काम चल रहा था उस दौरान आपके खेतों से इस लोगों ने मिट्टी उठाई और उसका पैसा इसने नहीं दिया? नहीं, और नहीं, ये पैसा नहीं दिया। तो फिर आपने इससे पैसा मांगा, तब क्या कहा इसने? पैसा मांगा जब कहता रहा आज नहीं कल देता हूँ, 10 तारीख को बिल लगेगा, 15 को लगेगा, 20 को लगेगा, ऐसा कहता रहा बार बार ये। और करीबन हमारा 2 से 3 लाख रुपए तो ट्रैक्टरों का है और 3,70,000 के लगभग हमारा मिट्टियों का पैसा बकाया है। तो क्या पूरे गांव का मामला है जी? मकान भी इसने किराए से ले रखा था, उसका पेमेंट भी नहीं दिया, बिजली का बिल भी बकाया है। और बिल्कुल गांव में बहुत सारे किसान हैं आसपास के,
नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि पूरे गांव का जिन लोगों ने मिट्टी उठाई इस ठेकेदार ने, तो क्या पूरे गांव का मामला है? बिल्कुल, उनको पैसा नहीं दिया। कितना कितना पैसा होगा करीब पूरे गांव का? ये औसतन तो सर क्या बताएं, करीबन 15 से 20-25-30 लाख रुपए हैं। जितने भी लोग हैं, रोलर वाला है, ये बाहर काफी लोग हैं, अलग अलग है सब लोग। यहाँ बहुत सारे लोग, आप पूछ सकते हो उनसे। आपका नाम? मेरा नाम नरपत। क्या इस कंपनी के ठेकेदार ने आपके साथ भी ऐसा ही काम किया? ये छेड़ से फ्रॉड है, झूठ बोलता है। गौरव धावा नाम और बताया मेरे कपिल, और पैर पकड़ लिए, मैं नटका किराया नहीं देंगे, और झूठा नंबर ये छेड़ से कराऊं तो फ्रॉड है। न एग्रीमेंट दिया, न आईडी प्रूफ दिया, न पैसे दिए, और झूठ बोलने में माहिर है। फिर ये थाने तक कैसे पहुंचा? थाने तक को ये थाने से तो पहले पिलाओ, थानेदार तो सही है इस टाइम। नहीं, थाने तक कैसे पहुंचा ये? भग के चला गया था? नहीं, थाने से गाड़ी लेके भग गया, और वो इसका भवनलाल का पोता है, वो माली उस टाइम फॉरेस्ट था लाल सूट में। मैंने कहा था सारा बदमाश है, ध्यान रखना। अरे ये बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये यहाँ कैसे आया? आपने क्यों शिकायत की थी क्या? हाँ, यहाँ कैसे आया? हाँ। वहाँ से पकड़ के लाए। कौन पकड़ के ले गया? गाड़ी वाले उनकी। जीतू नाम का, जीतू था। आपका नाम? शिवराज सिंह। अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले अखबार की सुर्खियों के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी जिसका नाम सिरम है, उस कंपनी ने एक बड़ा दांव चला है। उसका कहना है कि अगर आप विदेशी कंपनियों को कानूनी सुरक्षा दे रहे हो तो देशी कंपनियों को भी आपको कानूनी सुरक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 4 महीने से कोविशील्ड सिरम के द्वारा ही बनाई गई है और वह भी कारगर साबित हुई है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आप विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को यूज में लेकर के उनको कानूनी सुरक्षा देना चाहते हैं तो आप देशी कंपनियों को भी कानूनी सुरक्षा जरूर दें। आखिरकार ये कानूनी सुरक्षा के अंदर उनको दिया क्या जाना चाहिए, मैं आप सभी को बताता हूँ। जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो साइड इफेक्ट से हर्जाना भरा जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साइड इफेक्ट होता है तो उसका हर्जाना वह नहीं भरेगी कंपनी। या विदेशी कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और उनका कहना है कि आप उनको अगर कानूनी सुरक्षा दे रहे हैं तो मृतक के परिजनों को भी हर्जाना देने की आप ही की ही जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि पूरे देश के अंदर मानसून अब सक्रिय हो चुका है। यह 2 दिन बाद में आया है, लेकिन पूरे देश के अंदर अब देखने को मिल रहा है तेज हवाओं का दौर और तूफान भरे आबादल। साथ ही साथ इसमें बता दूं आप सभी को कि अभी तूफान केरल पहुंच चुका है और यह मानसून अब राजस्थान के अंदर 29 तारीख को एंट्री करेगा। और इसी के साथ साथ अब तेज हवाओं का दौर और बारिश का मौसम भी शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार का फैसला आया था जिसके अंतर्गत CBSE 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। इसी को लेकर के CBSE 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम को लेकर के लिए नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप इसका मूल्यांकन करें कि किस आधार पर यह प्रमोशन किया जाएगा, 12वीं से 1st ईयर के अंदर या फिर अन्य किसी कक्षा के अंदर। साथ ही साथ पहले इनके पर 4 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन अब इसमें 2 हफ्ते का समय दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और विद्यार्थियों को देश विदेश या कहां पर भी एडमिशन लेना है, इसी के चलते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है और अभी हाल ही में नया घमासान गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, और उसके बाद में शांति धारीवाल जो UDH मंत्री है, इन दोनों के बीच में घमासान हुआ था। और इसी घमासान के चलते में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की मुझे रिपोर्ट दी जाए कि आखिर किस तरह ये मामला हुआ है और इसके अंतर्गत किसकी गलती है और कैसे इस मामले को हल किया जाएगा, इसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मांगी है। चलिए अभी नजर डालते हैं कोरोना के रिकॉर्ड की। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना के केस अब पिछले 24 घंटे में 1258 सामने आए हैं। इसी के साथ साथ मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है और 44 मौतें दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर।
साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 340 लोग कोरोना के नए केस सामने आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध दिया है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके केंद्र की सरकार पर निशाना साध दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि पहले देश में बेरोजगारी के बढ़ने की थोड़ी बहुत खबरें आती थी, लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है तब से ये खबरें रोजाना सामने आने लगी। चलिए अभी रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां आप सभी को बता दूं कि 2 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जिसमें 11 बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इस अनुमति का लोग गलत फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस अनुमति के कारण अब बाजारों के अंदर 2 गुने से 4 गुना भीड़ देखने को मिल रही है। और जो कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे, ये लॉकडाउन लगा करके उस लॉकडाउन के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ती हुई साफ साफ नजर आ रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रकोप अब शांत होने लगा है। पॉजिटिव केसों में आ रही तेजी से कमी से 46 दिनों बाद 2 जून से प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों के बाजारों में बंद दुकानें भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली हैं। राजधानी जयपुर में मिनी लॉकडाउन के दूसरे दिन गुरुवार को भी बाजार भले ही खुले हों, लेकिन कारोबार तो बंद ही दिखाई पड़ा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो कहीं सरकार को फिर से लॉकडाउन ना लगाना पड़ जाए। वहीं ग्राहकों की कमी से बाजारों में दुकानों के बाहर बने बरामदे भी खाली नजर आए हैं। वहां सिर्फ एक दूसरे से चर्चा करते हुए दुकानदार और उनके कर्मचारी नजर आए हैं। आज भी करीब 20% दुकानें नहीं खुली, तो वहीं शहर की सड़कें वाहनों की बेवजह आवाजाही और हजारों की संख्या में निकली भीड़ से सरोबार नजर आई है। पुलिस प्रशासन की सख्ती भी इसमें नजर आई है। चलिए अभी रुक करते हैं झुंझुनू की ओर, जहां आप सभी को बता दूं कि ग्राम पंचायत भवन के अंदर सहायक विकास अधिकारी घाट पर सोते हुए नजर आ रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत बागुरा के भवन में चारपाई पर सोते हुए एक सहायक विकास अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो गुरुवार के दिन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल बात तो कुछ इस तरह है कि पंचायत समिति उदयपुर वाटी में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल को गुरुवार को ग्राम पंचायत बागुरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। गुरुवार को वायरल हुए वीडियो में 12:50 पर बागुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक चारपाई पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वीडियो में वायरल होती इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंची। पंचायत समिति उदयपुर वाटी के विकास अधिकारी बाबूलाल रैगड़ ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत बागुरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। सोशल मीडिया पर उनका ग्राम पंचायत भवन में सोते हुए वीडियो भी वायरल होने के बाद उनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है भारत पाकिस्तान सीमा से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि नशीले पदार्थों की खेप को पकड़ा गया है। आप सभी को बता दूं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर 54 नशीले पैकेट पकड़े गए हैं और हेरोइन के पैकेट वह बताए जा रहे हैं और उनकी कीमत करोड़ों रुपए तक की बताई जा रही है। आखिरकार ये भारत पाकिस्तान सीमा पर कैसे पकड़े गए और किसके द्वारा पकड़े गए हैं, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार को तेज बरसात व धूल भरे तूफान के बीच में 54 पैकेट नशीला पदार्थ हेरोइन का पकड़ा गया है। इसकी पुष्टि सीमा सुरक्षा बल के बीकानेर सेक्टर से डीआईजी ने की है। बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि बीएसएफ के 127वीं बटालियन के जवानों ने खाजूवाला तहसील के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंदनली पोस्ट पर हो रही तेज बरसात व धूल भरी आंधी के बीच में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की ओर पीवीसी पाइप के माध्यम से भेजे जा रहे हेरोइन के 54 पैकेट नशीला पदार्थ पकड़े हैं। पीवीसी पाइप से हेरोइन को भिजवाने वाले पाकिस्तान तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। रात को जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सीमा पर आंधी तूफान बरसात के बीच पीवीसी पाइप के टुकड़ों में 1-1 किलो हेरोइन के पैकेट डाले गए और उन्हें मजबूत कपड़े से बांधकर इन्हें 54 पाइप के टुकड़ों से भारतीय सीमा की ओर धकेला गया। उन्होंने बताया कि संभवतः भारतीय तस्करों को निशानदेही ही होगी, तभी इसी जगह से हेरोइन को भेजा जा रहा था। इस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस पर मौके पर टीम सीमा पर पहुंची और इसका भंडाफोड़ कर दिया। पकड़े गए 54 पैकेट का वजन करीब 56.630 ग्राम है, जबकि इसकी बाजार कीमत करीब 270 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी अभी इसकी जांच कर रहे हैं और बल के अधिकारी मौके से पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ते इससे पहले ही वे आंधी तूफान में बरसात का फायदा उठाकर भाग गए। जवानों ने उनका पीछा भी किया लेकिन वे भागने में सफल हो गए हैं और मौके से तस्करों के पैरों के निशान भी मिले हैं। इस कार्रवाई के लिए पंकज घूमर महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर व अन्य अधिकारियों ने जवानों की सजगता व उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए उनकी हौसला अफजाई की है। जिले की एसपी प्रीति चंद्रा भी पहुंची हैं बीएसएफ बंदली पोस्ट पर और नशे की खेप को लेकर के पूरे मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। एनसीबी की टीम भी पहुंची है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी सतर्क हो चुके हैं, तो वहीं डीआईजी खुद कर रहे हैं इस मामले की मॉनिटरिंग। नशा तस्करों के खंगाले भी जा रहे हैं अभी फुटप्रिंट। देखिए आज हमने रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में एक ऑपरेशन किया, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो है तकरीबन 56 किलो जो है हीरोइन जो है वो स्मगलर द्वारा जो है वो क्रॉस हुई और उसके अंदर जो है इंडियन स्मगलर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमारी जो है 127 बटालियन हम लोगों ने यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे कमांडेंट अमिताभ पवार और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच ये इसके ऊपर नज़र बनाए रखी थी, यहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है और कल रात को वेदर बड़ा ख़राब था और हम इसको मॉनिटर कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसी हरकत हो सकती है। और रात को तकरीबन 2:30 बजे जब ये क्रॉसिंग जो माल को क्रॉस करवा रहे थे उस वक्त जो है इंडिया की साइड से 2 स्मगलर्स आए थे और पाकिस्तान की तरफ से भी 3-4 स्मगलर्स आए थे और हमारे ट्रूप्स बड़े अलर्ट थे। उन्होंने जो है इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करी और उन्होंने फायर किए और फायर की आवाज़ सुनते ही जो इंडियन स्मगलर थे जो माल लेके इंडिया की, और जो है ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, अचीवमेंट रहा हमारे लिए और तकरीबन इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 300 करोड़ की वैल्यू बताते हैं। और DGBSF राकेश अस्थाना साहब ने पर्सनली फ़ोन करके पूरी टीम को शाबाशी दी है और 5 लाख का कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया है और हमारे हायर हेडक्वार्टर्स राजस्थान फ्रंटियर और वेस्टर्न कमांड जो है वहाँ बैठते हैं चंडीगढ़ में, डीजी साहब स्पेशल डीजी सभी ने इसकी इस ऑपरेशन के बारे में सबको तारीफ करी है, सबकी तारीफ करी है और सबको रिवॉर्ड दिया। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट नहीं मंडराएगा। 5 जिलों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगात दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया, वहीं शिलान्यास गोविंद पारीख कर रहे हैं कार्यक्रम का संचालन और मंत्री रघु शर्मा, शांति धारीवाल, हरीश चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं।
वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर एनएचआई के ठेकेदार पर ग्रामीणों ने मिट्टी खुदाई के रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही ठेकेदार रातों रात अपने बोरी बिस्तर बांध करके गांव जा रहे थे। वहीं दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे निर्माण ग्राम पंचायत अमराबाद का यह मामला है, और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और थाना सिकंदरा पुलिस की मदद से ठेकेदार पहुंचा है थाना रामगढ़ पचवारा। साथ ही ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप, हाईवे निर्माण के दौरान नहीं दिया एक भी रुपया। वहीं थाना रामगढ़ पचवारा पुलिस मामले की कर रही है जांच। क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए इन्हीं के मुख से इनकी जुबानी। क्या मामला है? हमारे खेत की मिट्टी उठाई थी, डीएस चौधरी जो काम करता है उसके नीचे एक गौरव धामा नाम से है ठेकेदार, उसने मिट्टी उठाई थी। वो अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया हमें, आज दूंगा कल दूंगा परसों दूंगा वैसे बोलता रहा, और आज वो अपने बोरी बिस्तर लेकर के सिकंदरा थाने में अरेस्ट हुआ, वहां से थानेदार साहब यहां लेके आए उसको और यहां बिठा दिखा है। अभी तक पेमेंट देने का कोई यश नहीं कर रहा। कितना पैसा है आपका? मेरा पैसा है 3,40,000 रुपए। तो क्या आपके खेत की मिट्टी उठाई थी इसने? जी सर। कितने दिनों की बात होगी? बात तो ये थी कि मिट्टी जब आएगी, गाड़ी आएगी मिट्टी उठाने पे, आधा पेमेंट दे दूंगा, उसके बाद जब गाड़ी निकलेगी मेरी, मिट्टी क्लियर हो जाएगा खेत, उसके बाद मैं पूरा पेमेंट दूंगा। तो क्या पूरे गांव का मामला है? नहीं, पूरे गांव का नहीं, हमारा तो हमारा मामला, गांव सभी का है। अच्छा। पैसा सभी का है, मजदूरों की मजदूरी तक नहीं दी इसने। अच्छा अच्छा, जो एनएचआई का काम चल रहा है जी, इस मामले को लेकर आप बात कर रहे हो जी। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। सिकंदरा मिला? अच्छा, सिकंदरा मिला है। तो आपको सूचना कैसे मिली कि सिकंदरा पहुंच गए? गाड़ी वाले ने किया। अच्छा, गाड़ी लेके भग गया उसकी। कितने दिनों से मिट्टी उठा रहे हो? मिट्टी उठाया 2 महीना हो गया, दो तीन महीने हो गए। आपका नाम? बद्रीलाल शर्मा। पूरा मामला क्या है? सर, हमारे खेतों से मिट्टी भी उठाई थी और हमारे 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं इसके पास, तो ट्रैक्टरों का भी पैसा बकाया है और मिट्टी का भी बकाया है। मिट्टी किस काम में ले इस ठेकेदार? इस रोड पे डालने के लिए, एनएचआई का जो काम चल रहा है इस पे डालने के लिए, डीएस चौधरी के नाम से जो ठेकेदार है उसके थ्रू कपिल धामा के नाम से है। वैसे इसका नाम तो गौरव धामा है, लेकिन लोगों को नाम इसने कपिल बता रखा है। अच्छा, नाम की भी झूठ बोल रखा है इसने। हाँ बिल्कुल। तो दिल्ली मुंबई हाईवे का जो काम चल रहा था उस दौरान आपके खेतों से इस लोगों ने मिट्टी उठाई और उसका पैसा इसने नहीं दिया? नहीं, और नहीं, ये पैसा नहीं दिया। तो फिर आपने इससे पैसा मांगा, तब क्या कहा इसने? पैसा मांगा जब कहता रहा आज नहीं कल देता हूँ, 10 तारीख को बिल लगेगा, 15 को लगेगा, 20 को लगेगा, ऐसा कहता रहा बार बार ये। और करीबन हमारा 2 से 3 लाख रुपए तो ट्रैक्टरों का है और 3,70,000 के लगभग हमारा मिट्टियों का पैसा बकाया है। तो क्या पूरे गांव का मामला है? जी, मकान भी इसने किराए से ले रखा था, उसका पेमेंट भी नहीं दिया, बिजली का बिल भी बकाया है। और बिल्कुल गांव में बहुत सारे किसान हैं आसपास के। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि पूरे गांव का, जिन लोगों ने मिट्टी उठाई इस ठेकेदार ने, तो क्या पूरे गांव का मामला है? बिल्कुल, उनको पैसा नहीं दिया। कितना पैसा होगा करीब पूरे गांव का? ये औसतन तो सर क्या बताएं, करीबन 15 से 20-25-30 लाख रुपए हैं, जितने भी लोग हैं, रोलर वाला है, ये बार काफी लोग हैं, अलग अलग है सब लोग, यहाँ बहुत सारे लोग, आप पूछ सकते हो उनसे। आपका नाम? मेरा नाम नरपत। क्या इस कंपनी के ठेकेदार ने आपके साथ भी ऐसा ही काम किया? ये छेड़ से फ्रॉड है, झूठ बोलता है, गौरव धामा नाम और बताया मेरे कपिल, और पैर पकड़ लिए, मैं नट गए, किराया नहीं देंगे, और झूठा नंबर ये छेड़ से कराऊ तो फ्रॉड है, न एग्रीमेंट दिया, न आईडी प्रूफ दिया, न पैसे दिए, और झूठ बोलने में माहिर है। फिर ये थाने तक कैसे पहुंचा? थाने तक ये थाने से तो पहले पिलाओ, थानेदार तो सही है इस टाइम। नहीं, थाने तक कैसे पहुंचा ये, भग के चला गया था? नहीं, थाने की गाड़ी लेके भग गया, और वो इसका भोनलाल का पोता है माली, उस टाइम फॉरेस्ट था लाल सूट में, मैंने कहा था सारा बदमाश है, ध्यान रखना। अरे ये बात नहीं पूछ रहा हूँ, ये यहाँ कैसे आया, आपने कोई शिकायत की थी क्या? हाँ, यहाँ कैसे आया? हाँ, वहाँ से पकड़ के लाए। कौन पकड़ के ले गया? गाड़ी वालों उनकी, जीतू नाम का, जीतू था। आपका नाम? शिवराज सिंह। चलिए अब रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने टीके की बर्बादी के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर के कोविड के जीवन रक्षक टीके की बर्बादी के संबंध में प्रकाशित समाचारों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस संबंध में प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को प्रदेश में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार कर टीके की प्रत्येक डोज को एक एक व्यक्ति की रक्षा कवच समझ उसका सदुपयोग करने की दिशा में कार्यवाही करने का भी कहा है। मिश्र ने कहा
कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई राष्ट्रव्यापी विपदा के इस काल में नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन को ही एकमात्र सटीक उपाय बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाने हेतु सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जीवन रक्षक टीके के बर्बादी के संबंध में राजस्थान में टीके की बर्बादी के अंतर्गत प्रदेश के 35 सेंटरों के कमरे में मिली 500 वायल, इनमें 2500 से ज्यादा डोज, समाचार गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने और प्रकरण के संबंध में भी किए जाने वाली कार्रवाई से उन्हें यथाशीघ्र अवगत कराने की भी अपेक्षा जताई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में, मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सवाई माधोपुर में फर्जी एसीबी अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी शादाब निवासी उदय कला को गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप डीपी पर एसीबी का लोगो लगाने का यह मामला बताया जा रहा है, तो एसीबी के नाम पर कई लोगों को धमकाने का आरोप भी है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के आवंटन को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जिस प्रकार पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन के राज्यों का आवंटन का जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया था, वैसे ही अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन का आवंटन भी केंद्र सरकार ही कर रही। चिड़ावा झुंझुनू की कोरोना पॉजिटिव रेट 8% रह चुकी है। चिड़ावा SDM संदीप चौधरी ने कहा कि जिले में 8% रेट कलेक्टर ने इससे ज्यादा माना है, जबकि कलेक्टर बोल रहे हैं कि 10% से ज्यादा रेट बताई जा रही, और व्यापारियों की बैठक में SDM संदीप चौधरी ने कहा। हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस की नशीली दवा तस्करी पर कार्रवाई हुई है। 1080 नशीली गोलियों सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। लखवाली निवासी शौकत अली को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं आरोपी पर NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज है। भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय में मिले जाली नोट, तिजोरियों की जांच के दौरान मिले हैं जाली नोट। वहीं RBI प्रबंधक जगदीश चंद्र ने दर्ज कराया है मुकदमा। जयपुर कमिश्नरेट की मुद्रा तिजोरियों का यह मामला बताया जा रहा, तो वहीं गांधीनगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई। सरदार शहर के मुख्य राजकीय अस्पताल के निकट निकला है 5 फीट का काला नाग। काला सर्प निकलने से अस्पताल परिसर में हड़कंप भी मच गया, तो वहीं नाग को देख करके चिकित्सा कर्मियों व मरीजों में दहशत फैल चुकी है। चिकित्सा कर्मियों ने उपखंड अधिकारी को सूचना दी और सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। CRPF VIP सिक्योरिटी विंग के असिस्टेंट कमांडेंट शिव सिंह चारण को उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह की मौजूदगी में सौंपे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सामाजिक सरोकारों को लेकर के किशनगढ़ का RK मार्बल ग्रुप हमेशा से बढ़ चढ़कर देता रहा है अपना योगदान। राजस्थान में भले ही मानसून को आने में अभी 3 हफ्ते या उससे ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन प्री मानसून की गतिविधियां या कहें बौछारें अब शुरू हो गई हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू की नक्की झील पर शुक्रवार सुबह बादलों की आवाजाही रही है, और हालांकि ये नज़ारा ज़्यादा देर तक नहीं रहा और हवा चलने के साथ ही कुछ देर में बादल ओझल हो गए। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और UDH मंत्री शांति धारीवाल के बीच जिस मुद्दे को लेकर के भिड़ंत हुई, वह आज भी जस का तस बरकरार है। शांति धारीवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के आदेश मानने से इनकार कर दिया, और कैबिनेट की बैठक में हुई झड़प के वक्त भी धारीवाल ने डोटासरा से दो टूक कहा था कि वह आदेश मानने के बाध्य नहीं है। फटाफट अंदाज में खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। जैसलमेर के सुनार दुर्ग में रहवासी मकान की छत गिर गई है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जैसलमेर में सुनार दुर्ग में रहवासी मकान की छत गिर गई। बीती रात बारिश से रहवासी मकान को नुकसान हुआ है, और सुबह मकान में एक कमरे में गिरी छत, तो वहीं सुनार दुर्ग स्थित कोटरी पाड़ा का यह मामला बताया जा रहा। गनीमत तो यह रही कि मकान मालिक घर से था बाहर, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में, मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की ओर कि आखिर हरियाणा के अंदर क्या कुछ इस समय चल रहा है, देखिए हमारे इस खास बुलेटिन में। हिसार में गुरुवार देर रात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। पंप के
कारिंदों पर पिस्तौल तान करके यहां से 40,000 रुपए की रकम लूट ली। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना करके आगे की जांच शुरू कर दी है। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है और जानकारी के अनुसार शहर के साउथ बाईपास स्थित उदय पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात पंप पर कुल 3 कर्मी थे। करीब 10 बजे इनमें से 2 खाना खाने अंदर चले गए तो एक बाहर था। बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर खड़े कर्मी से बाइक में तेल डलवाने की बात की। इसके बाद एक ने अपने पैर के पास पैंट से पिस्तौल निकाली और तीनों उस कर्मी को कुछ पीछे ले गए। उस दौरान बाइक सवार वे कर्मी वहीं खड़े रहे और दोनों युवक पंप के कार्यालय में घुस गए और वहां से करीब 40,000 रुपये नकदी से भरा बैग उठा ले आए। इतने में पंप कर्मी ने बाइक सवार करके वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। रोहतक में एक युवक वाटर सप्लाई के तालाब में डूब गया। घटना गुरुवार की शाम की है जब वह दोस्तों के साथ नहाने के लिए इस साइट पर पहुंचा था। रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार सुबह उसका शव बरामद कर लिया गया और पुलिस की तरफ से उसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 34 सनसिटी स्थित वाटर सप्लाई के तालाब में एक युवक डूब गया। इसके बाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान पता चला कि पानी में डूबने वाला युवक संजय नगर निवासी 20 वर्षीय रोहित है, जो संजय नगर निवासी प्रिंस और हनुमान कॉलोनी निवासी आकाश नामक अपने 2 दोस्तों के साथ यहां नहाने के लिए पहुंचा था। किसानों के जजपा विधायक देवेंद्र बबली बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार को टोहाना में विधायक की कोठी का घेराव करने के आरोप में 27 किसान गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें छुड़ाने के लिए किसानों ने रात से सुबह तक 13 घंटे थाने को घेरा रखा है। गुरुवार सुबह 25 किसानों को रिहा कर दिया गया, जबकि महिला किसान मनीषा बिश्नोई की देर रात छोड़ दिया गया। टोहाना में विधायक की कोठी का घेराव करने को लेकर योजना बनाने के आरोपी हिसार के विकास सीसर भिवानी के रवि आजाद को अदालत में पेश किया गया है, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोनों किसानों को छोड़ने की मांग कर किसानों ने गुरुवार को थाने का घेराव है लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर विधायक का पुतला भी फूंक दिया। दूसरी ओर हिसार राजगढ़ रोड पर चौधरीवास टोल, हिसार सिरसा रोड पर लांदड़ी टोल 2 घंटे तक बंद रहा है। हिसार चंडीगढ़ रोड पर बातोपट्टी रात से बंद था, जो सुबह 10 बजे खुला, और हिसार दिल्ली मार्ग पर रामायण मयन टोल देर शाम तक बंद रखा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में शुक्रवार सुबह 6 बजे एक सड़क हादसा हुआ। शाहबाद कस्बे के गांव धतोड़ी के पास एक कार सड़क किनारे खड़े टैंकर में घुस गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। कार सवार तीनों युवकों अम्बाला से कुरुक्षेत्र जा रहे थे, वहीं तीनों पानीपत से इसराना निवासी बताए जा रहे हैं। युवकों की पहचान अमित, मिनका और जितेंद्र के रूप में हुई है। जितेंद्र और मिनिका की मौत हो गई, जबकि अमित अभी भी घायल है। अमित को पहले उपचार के लिए LNJP कुरुक्षेत्र लेकर के जाया गया और हादसे की खबर देशवाल ढाबा मालिक ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही शाहबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को जब्त करके शवों को कब्जे में लिया। पुलिस ने ही घायल अमित को उपचार के लिए LNJP कुरुक्षेत्र में पहुँचाया है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आई है। SP केसर सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ में कार्रवाई की गई। वहीं DST इंचार्ज जयदेव सिंह की सूचना पर चंबल किनारे शराब पकड़ी है। MP की ओर से तस्करी की फिराक में आरोपी भी थे और मौके से देसी शराब की 52 पेटी भी जब्त की गई और टीम पहुंचने के बाद मौके से फरार होते हुए नजर आए अपराधी। चलिए अभी रुक करते हैं झुंझुनू की ओर, जहां आप सभी को बता दूं कि ग्राम पंचायत भवन के अंदर सहायक विकास अधिकारी खाट पर सोते हुए नजर आ रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत बागुरा के भवन में चारपाई पर सोते हुए एक सहायक विकास अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो गुरुवार के दिन का बताया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल बात तो कुछ इस तरह है कि पंचायत समिति उदयपुर वाटी में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल को गुरुवार को ग्राम पंचायत बागुरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। गुरुवार को वायरल हुए वीडियो में 12:50 पर बागुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक चारपाई पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वीडियो में वायरल होती इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंची। पंचायत समिति उदयपुर वाटी के विकास अधिकारी बाबूलाल रैगर ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत बागुरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। सोशल मीडिया पर उनका ग्राम पंचायत भवन में सोते हुए वीडियो भी वायरल होने के बाद उनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि राज्यपाल के नए एडीसी राहुल भार्गव ने अपना पदभार संभाल लिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के परिसहाय स्क्वाडन लीडर राहुल भार्गव ने शुक्रवार को यहां राजभवन में राज्यपाल के समक्ष में पदभार ग्रहण कर लिया। चलिए रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर इंदिरा रसोई के अंदर बनाए गए खाने में कीड़े देखने को मिले हैं और वहां का दौरा करने के लिए सौम्या गुर्जर पहुंच चुकी हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर अपैक्स सर्किल स्थित इंदिरा रसोई में आम जनता को जो सब्जी खाने परोसी जा रही है उसमें कीड़े दिखाई दिए हैं। इस पर वार्ड नंबर 132 की पार्षद ममता महावर ने नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को शिकायत की, तो उस पर महापौर सौम्या गुर्जर ने जब निरीक्षण किया तो वहां पाया गया कि सब्जी के अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए थे। वहीं सब्जी आम जनता को परोसी जा रही थी। सौम्या गुर्जर ने बताया कि इस मामले की तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जहाँ भी ये खाना भिजवाया गया है उसे फेंकवाया भी जाएगा। जी मैम बताया, आप जो मैं यहाँ चेक करने आया तो क्या मामला रहा, किस तरह से रहा यहाँ पे? देखिए आज वार्ड 132 में अस्थायी रूप से जो इंदिरा रसोई का जो काउंटर लगा हुआ है, यहाँ के स्थानीय निवासियों की शिकायत पर हमारे जो पार्षद जी हैं ममता महावर जी, गोविंद छिपा जी, उन्होंने मेरे को शिकायत की है कि यहाँ सब्जी के अंदर जो सब्जी पूरे जयपुर की इंदिरा रसोई के अंदर गई है उस सब्जी के अंदर कीड़े तैर रहे थे। और यहाँ आकर मैंने अभी पूरा देखा है कि पूरी सब्जी में जो काले काले जो है जैसे जीरा हींग जैसे दिख रहे हैं, पर ये कीड़े हैं बिल्कुल। तो अभी इनके खिलाफ जो है तत्काल कार्रवाई की जाएगी और अन्य जहाँ भी इंदिरा रसोईयों में ये खाना है उसको फेंकवाया जाएगा। चलिए अभी रुक करते हैं झुंझुनू की ओर, जहाँ आप सभी को बता दूं कि ग्राम पंचायत भवन के अंदर सहायक विकास अधिकारी घाट पर सोते हुए नजर आ रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत बागुरा के भवन में चारपाई पर सोते हुए एक सहायक विकास अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो गुरुवार के दिन का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल बात तो कुछ इस तरह है कि पंचायत समिति उदयपुर वाटी में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल को गुरुवार को ग्राम पंचायत बागुरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। गुरुवार को वायरल हुए वीडियो में 12:50 पर बागुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक चारपाई पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वीडियो में वायरल होती इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंची। पंचायत समिति उदयपुर वाटी के विकास अधिकारी बाबूलाल रैगर ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी दयानंद गढ़वाल को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी के आदेश पर ग्राम पंचायत बागुरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। सोशल मीडिया पर उनका ग्राम पंचायत भवन में सोते हुए वीडियो भी वायरल होने के बाद उनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। चलिए रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने टीके की बर्बादी के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर के कोविड के जीवन रक्षक टीके की बर्बादी के संबंध में प्रकाशित समाचारों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस संबंध में प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने
राज्य सरकार को प्रदेश में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार कर टीके की प्रत्येक डोज को एक एक व्यक्ति की रक्षा कवच समझ उसका सदुपयोग करने की दिशा में कार्यवाही करने का भी कहा है। मिश्र ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई राष्ट्रव्यापी विपदा के इस काल में नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन को ही एकमात्र सटीक उपाय बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करवाने हेतु सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जीवन रक्षक टीके के बर्बादी के संबंध में राजस्थान में टीके की बर्बादी के अंतर्गत प्रदेश के 35 सेंटरों के कमरे में मिली 500 वायल इनमें 2500 से ज्यादा डोज समाचार गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने और प्रकरण के संबंध में भी किए जाने वाली कार्यवाही से उन्हें यथाशीघ्र अवगत कराने की भी अपेक्षा जताई है। वहीं केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज बंगाल एकजुटता दिवस मनाया गया है, तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ नई दिल्ली के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश की ओर से बंगाल एकजुटता दिवस मनाया गया। संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने बताया कि आज है बंगाल एकजुटता दिवस। राजस्थान के 33 जिलों सहित संघ से संबद्ध प्रदेश की करीब 500 से ज्यादा मजदूर संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज यह एकजुटता दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार, कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांध करके कार्य करना इत्यादि कार्यक्रम के माध्यम से यह संकेत दिया जा रहा है कि बंगाल सरकार तो तत्काल भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे वहां शांति का वातावरण हो और मजदूरों का पलायन भी बंद हो। उन्होंने कहा कि आज सभी यूनियन जिलों एवं महासंघों द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने करीब श्रमिकों यथा मछुआरों, बुनकर, स्ट्रीट वेंडर इत्यादि को 2, 3 व 4 मई को अविस्मरणीय हिंसा का शिकार बनाया था। साथ ही साथ इस एकजुटता दिवस के माध्यम से बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ही है, बल्कि अपितु संपूर्ण श्रमिकों एवं वर्ग पश्चिम बंगाल के मजदूरों के साथ है। वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके संघर्षों की लड़ाई लड़ेगा और उन्होंने कहा कि इस हेतु मजदूरों की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ की ओर से आर्थिक सहायता भी पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए भेजी जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है भारत पाकिस्तान सीमा से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि नशीले पदार्थों की खेप को पकड़ा गया है। आप सभी को बता दूं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर 54 नशीले पैकेट पकड़े गए हैं और हेरोइन के पैकेट वह बताए जा रहे हैं और उनकी कीमत करोड़ों रुपए तक की बताई जा रही है। आखिरकार ये भारत पाकिस्तान सीमा पर कैसे पकड़े गए और किसके द्वारा पकड़े गए हैं, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गुरुवार को तेज बरसात व धूल भरे तूफान के बीच में 54 पैकेट नशीला पदार्थ हेरोइन का पकड़ा गया है। इसकी पुष्टि सीमा सुरक्षा बल के बीकानेर सेक्टर से डीआईजी ने की है। बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र राठौड़ ने बताया कि बीएसएफ की 127वीं बटालियन के जवानों ने खाजूवाला तहसील के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंदनली पोस्ट पर हो रही तेज बरसात व धूल भरी आंधी के बीच पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा की ओर पीवीसी पाइप के माध्यम से भेजे जा रहे हेरोइन के 54 पैकेट नशीला पदार्थ पकड़े हैं। पीवीसी पाइप से हेरोइन को भिजवाने वाले पाकिस्तान तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। रात को जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सीमा पर आंधी तूफान बरसात के बीच पीवीसी पाइप के टुकड़ों में 1-1 किलो हेरोइन के पैकेट डाले गए और उन्हें मजबूत कपड़े से बांधकर इन्हें 54 पाइप के टुकड़ों से भारतीय सीमा की ओर धकेला गया। उन्होंने बताया कि संभवतः भारतीय तस्करों को निशानदेही ही होगी, तभी इसी जगह से हेरोइन को भेजा जा रहा था। इस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस पर मौके पर टीम सीमा पर पहुंची और इसका भांडाफोड़ कर दिया।
पकड़े गए 54 पैकेट का वजन करीब 56.630 ग्राम है, जबकि इसकी बाजार कीमत करीब 270 करोड़ रुपए से अधिक आगी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी अभी इसकी जांच कर रहे हैं और बल के अधिकारी मौके से पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ते इससे पहले ही वे आंधी तूफान में बरसात का फायदा उठाकर भाग गए। जवानों ने उनका पीछा भी किया लेकिन वे भागने में सफल हो गए हैं और मौके से तस्करों के पैरों के निशान भी मिले हैं। इस कार्रवाई के लिए पंकज घूमर महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर व अन्य अधिकारियों ने जवानों की सजगता व उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए उनकी हौसला अफजाई की है। जिले की SP प्रीति चंद्रा भी पहुंची हैं BSF बंदली पोस्ट पर और नशे की खेप को लेकर के पूरे मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। NCB की टीम भी पहुंची है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और BSF के बड़े अधिकारी भी सतर्क हो चुके हैं। तो वहीं DIG खुद कर रहे हैं इस मामले की मॉनिटरिंग। नशा तस्करों के खंगाले भी जा रहे हैं अभी फुटप्रिंट। देखिए, आज हमने रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में एक ऑपरेशन किया जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो है तकरीबन 56 किलो जो है हीरोइन जो है वो स्मगलर द्वारा जो है वो क्रॉस हुई और उसके अंदर जो है इंडियन स्मगलर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमारी जो है 127 बटालियन हम लोगों ने यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे कमांडेंट अमिताभ पवार और हमारे इंटेलिजेंस ब्रांच ये इसके ऊपर नज़र बनाए रखी थी, यहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है। और कल रात को वेदर बड़ा ख़राब था और हम इसको मॉनिटर कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसी हरकत हो सकती है। और रात को तकरीबन 2:30 बजे जब ये क्रॉसिंग जो माल को क्रॉस करवा रहे थे उस वक्त जो है इंडिया की साइड से 2 स्मगलर्स आए थे और पाकिस्तान की तरफ से भी 3-4 स्मगलर्स आए थे और हमारे ट्रूप्स बड़े अलर्ट थे। उन्होंने जो है इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करी और उन्होंने फायर किए और फायर की आवाज़ सुनते ही जो इंडियन स्मगलर थे जो माल लेके इंडिया की, और जो है ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, अचीवमेंट रहा हमारे लिए। और तकरीबन इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 300 करोड़ की वैल्यू बताते हैं। और DGBSF राकेश अस्थाना साहब ने पर्सनली फ़ोन करके पूरी टीम को शाबाशी दी है और 5 लाख का कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया है। और हमारे हायर हेडक्वार्टर्स राजस्थान फ्रंटियर और वेस्टर्न कमांड राजस्थान के अंदर पिछले 2 दिन पहले शांति धारीवाल जो UDH मंत्री हैं और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों के बीच में आपसी झड़प हुई थी मंत्री परिषद की बैठक के अंदर और इस झड़प के बाद में दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल बन चुका है। और यह माहौल आप ऐसे देख सकते हैं कि UDH मंत्री शांति धारीवाल अब कोटा के अंदर पहुंच चुके हैं। वह कोटा के अंदर पहुंचे हैं ऑक्सीजन प्लांट के बारे में अधिक चर्चा करने के लिए और अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब जो राजस्थान के अंदर जयपुर में मंत्री परिषद की बैठक होनी थी उसमें वह सम्मिलित नहीं होंगे। क्या है इसके पीछे का सच, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट से। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आज तक इन्होंने प्रदेशवासियों की नाम मात्र की भी चिंता नहीं की। ये सरकार गठन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने काम को ही बचाने में लगी है। कांग्रेस में सत्ता और संगठन की लड़ाई जग जाहिर है तो गुंजल ने कहा कि यदि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने से ज्यादा चिंता प्रदेशवासियों को बचाने में करती तो शायद कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान में इतना कहर नहीं भर पाती। मंत्री धारीवाल 3 दिवसीय दौरे पर कोटा में पहुंच चुके हैं और मंत्रियों में तकरार के इन सुर्खियों के बीच UDH मंत्री शांति धारीवाल 3 दिन के दौरे पर अपने गृह क्षेत्र कोटा में पहुंच चुके हैं। वे इस दौरान कोटा में चल रहे विकास के प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे, कोविड प्रबंधन को लेकर के अधिकारियों की बैठक लेंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आइडिंग में। मैं बोल के सेक्शन आप लोग के साथ, आइए नजर डालते हैं न्यूज आइडिंग के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस महीने 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ऐतिहासिक खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इस फाइनल के लिए जहां विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया साउथहैम्पटन पहुंची है,
वहीं केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेल रही है, जहां कीवी टीम के मिडिल ऑर्डर की पोल खुल गई और हालांकि ऐतिहासिक फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए यह अच्छी खबर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्राइड मंथ को लेकर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने इस खास मौके पर इंस्टाग्राम पर रेनबो फ्लैग के साथ लिखा, शांतिपूर्ण व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए, प्यार प्यार है। बता दें कि हर साल जून के महीने को प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता ने LGBT कम्युनिटी को लेकर के सोशल मीडिया पर इस तरह से बधाई दी है। अगर किसी सजायाफ्ता बंदी को सजा के दौरान ही घर जाने का मौका दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस मौके का फायदा ना उठाए। बिना देर किए फौरन ही अपना सामान बांधकर जाते हुए जेल को एक बार मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में एक बंदी ऐसा भी है जिसे पैरोल मिल गई लेकिन वो अपने घर नहीं जाना चाहता। घर न जाने के संबंध में उसने जेल प्रशासन को लिखकर भी दे दिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में वैक्सीन को सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर राज्यों को कोटे के मुताबिक वैक्सीन दे रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। खबर है कि पंजाब सरकार राज्य के कोटे की कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों में बेच रही है। खाकी वर्दी में सख्त रवैया अपनाने वाली पुलिस का लेक सिटी उदयपुर में मानवीय पहलू भी सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने अपनी साथी की मौत के बाद पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिए ऐसा काम किया जिसकी आज सभी जगह प्रशंसा हो रही है। उदयपुर पुलिस ने अपने कांस्टेबल साथी की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए एक मुहिम भी शुरू की थी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।